उदयपुर हूँ कहाँ पर जा रहा हूँ बा क्या जाम पैदल इस फलक में सो समय तोड़ जा जरा और बंदे ढूंढ किनारा तीर मंजिल तेरे कैसे रे परिंदा कितनी ऊंची है उड़ान तेरी। आज हम जा रहे हैं एक छोटा सा ट्रैक है उदयपुर का जो शुरू होता है भगवाली पोखर से बिंता से सॉरी। वैसे इस रूट में देखो टू व्हीलर जाता है पूरा ऊपर तक, लेकिन जो हमारे साथ विनोदार के वो चाहते हैं कि नहीं हम पैदल ही चलेंगे, 5 किलोमीटर का ट्रैक करना है। बाइक से चलेगी तो क्या फ़ायदा है ट्रैकिंग का ना विनोदा। ट्रैक में मैंने लोगों को एक कॉमन मिस्टेक करते हुए देखा है, देखो विनोदा शॉट मारने लग गए जबकि भी इतना अच्छा रास्ता बना है। शॉट के चक्कर में कभी मत रहना, मुसीबत में पड़ सकते हो आप, क्योंकि शॉट में क्या होता है रास्ता कभी टूटा होता है, गड्ढा होता है, कुछ पता नहीं होता है, तो जो रास्ता है उसी पे चलो। फिर से हमें एक आंवले का पेड़ दिख गया, गूसबेरी बोलते हैं शायद इसे। ये एक्चुअली जो पानी की कमी होगी ना चलते चलते, जैसे आपने देखा होगा ट्रैकिंग करते समय लोग क्या करते हैं, चॉकलेट ले जाते हैं अपने साथ या फिर टॉफीज ले जाते हैं, उसे खाते रहते बीच बीच में ताकि गला ना सूखे। तो हमें बेस्ट ऑप्शन मिल गया, ये मिट्टी घर कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अभी इसमें टीन डाल दिया और जी ये घर नहीं है वैसे, गाय के गोट है ये मकान देखो कितना अच्छा लग रहा है, लीपा पोती करी गई है इसमें गोबर की और लाल मिट्टी जो है लोकल में होती है, से प्यारा लग रहा है ना। अगर ऐसे ही मकान को हाँ प्यार से होम स्टे में कन्वर्ट कर दे तो लोग अट्रैक्ट होंगे, गारंटी दे रहा हूँ मैं। स्रोत का पानी भी मिल गया रास्ते में, पानी पीना बहुत ज़रूरी है भाई, डिहाइड्रेट से बचोगे। कैसा वाला पानी, इसका मीठा हो रहा होगा, मीठा होना खा दो। अब आगे पिया गया जानवर था है। मैं नहीं गाँव हूँ, मैं नाली रोक रही हूँ मंदिर हो। अच्छा अभी तले न्याय लधारी बाबू जी। अच्छा तुम कब आता था वो तेरा मैं नहीं रनी ना है चनड़ बिठा लगाई और है मिली हूं हमको तेरा है मंदिर यहां से और जी मंगवा हो हम आज वही वही तेरे जो कह रहे थे ना। अच्छा अच्छा चनड़ बिठा लगाने वाले महादेव का मंदिर की लोकेशन जैसे जैसे नज़दीक आ रही है तो एक पॉजिटिव वाइब्स बोलते हैं ना एनवायरनमेंट में उसके आसपास वाली वो हमें फील होने लग गई है, तो अच्छा लग रहा है। मेरे पास घर के बहुत पास है ट्रैक और ये मुझे सजेस्ट किया था विनोदा ने और उनका भी रीज़न था ट्रैक करने का कुछ अभी ऊपर बताऊंगा आपको, और शायद क्या पता वो रीज़न आपके पास भी हो। ये रास्ता है रिशन करने में, थोड़ी देर ध्यान लगाएंगे हम यहाँ पे। बहुत भारी है ये बैग सारा विनोदा लेके आए।
तो ये मंदिर है यार, क्या फील है यार यहाँ पे, ये रहने का है गेस्टरूम, पानी की व्यवस्था है, ओ भाई व्यू भी है यहाँ से। कुछ दिन पहले यहाँ बर्फ पड़ी थी। अच्छा है, तो जूते उतार के पैर धो लेते पहले। तो यहाँ से गांव का व्यू भी बहुत प्यारा है, कसम से बहुत अच्छी जगह है यार ये। जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे पीस, जो पीस लवर होता है उनके लिए बहुत प्यारी जगह है। तेरा फितूर तेरा कसूर पर है यही तेरा वजूद, कैसे करूं तुझको बयां जो है तेरा हाल हाल तेरे, अब ना खफा हाल तेरी ना हो हर दफा, देखो चले सारा जहां पंख तेरे भाई भाई। अब जा रहे हैं हम यहाँ से, मंदिर बंद है, पुजारी जी अभी नीचे हो, शाम को आएंगे पूजा वगैरह करने के लिए। तो अभी हमारा सीन ये बन रहा है कि यहाँ से पास में 8 किलोमीटर लोध है, वहाँ बहुत फेमस मतलब पहाड़ी खाना मिलता है, बहुत फेमस मिलता है, तो वहाँ जाने का सीन बन रहा है। अच्छी जगह थी, हमने 1 घंटा यहाँ पर, 1 घंटा तो नहीं बोलेंगे, हाँ 1 घंटा शायद यहाँ पर बिताया। और अब जा रहे हैं नीचे को, तो नीचे का वीडियो क्या देखोगे यार, बोरिंग हो जाएगा, तो इसलिए मैं कैमरा बंद करके सीधे मिलता हूँ आपको स्कूटी में। लोध से आगे कहाँ है यार, आज कहीं नहीं जा रहे हैं। ना ना, हम तो यहीं किसी काम से आए थे ये बिंता में, हमने कहा यहाँ जाते हैं। लगवा के चाहूँ जब तक उड़ने का आए रे भरोसा गई जान मेरी।